नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल सिख वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। अकाली दल दिल्ली ने चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया था वो था बालासाहेब हॉस्पिटल का निजी हाथों में जाना, जिसका मौजूदा कमेटी ने चुनाव पूर्व कड़ा विरोध किया था। अब इस हॉस्पिटल की शुरुआत होने जा रही, जिसका मुआयना दिल्ली कमेटी के प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के करने पहुंचे और उनके साथ वरिष्ठ अकाली लीडर सरदार अवतार सिंह हित व धर्म प्रचार के चेयरमैन सरदार परमजीत सिंह राणा भी पहुंचे। आइए सुनते हैं। इस तरह की जो हॉस्पिटल है 1978 के जसदर संतोख सिंह होरां ने रिंग रोड से गेट लाया सी। 1981-82 मैं सी, तरविंदर सिंह मरवा, नरेंद्र सिंह गांधी मेरे नाल खड़े ने, कुलदीप सिंह भोगल, असी इत्थे 10 रातां 12 रातां कट के जो इस जगह का कब्ज़ा लिया। और उस तो बाद जहेदार जी की सोच सी कि इत्थे एक मैडिकल हॉस्पिटल और मैडिकल कॉलेज बनाना। हौली हौली करदे 1995 का समा आया। 95 तो बाद DDA कोलों ये जमीन खरीदी गई। जदों ये खरीदी गई उस वेले जहेदार अवतार सिंह हित ते सार कुलमोहन सिंह प्रधान जनरल सैकटरी सीगे। DDA ने साढ़े तो 33 करोड़ के करीब पैसा मंगया, लेकिन 31,96,000 सानू ये जमीन दिती, क्योंकि साडा कब्जा इत्थे 1978 तो दिता सी ते जो DDA का रेट सी ओह देना उन्हां नू मन्निया सी। कित्थे 32 करोड़, कित्थे 32 लख। और उहदे बाद इत्थे बड़ी वड्डी डॉक्टर्स की, आर्कीटेक्ट्स की, बिल्डर्स की कमेटी बनी गई है। तुहाडे सामने इमारत खड़ी है। बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वाले उन्होंने साथियों ने इहदी कार सेवा की। लोगों तो पैसा पैसा लैके इत्थे लोगों ने अपना दसवंत पाया, टोकरियां ढोईया। सिचुएशन यह हुई कि सरना भरावां की जो कमेटी आई उन्होंने इहदा एक प्राइवेट ट्रस्ट नूं ट्रांसफर करके जमीन और इस नूं देता। पहले मणिपाल नाल कीता, उस तो बाद BL कपूर नाल कीता। साडा ऑब्जेक्शन यह सीगा कि इहदे राइट्स नहीं दिते जा सकते किसी नूं, जमीन गुरद्वारे की है, इहदे मलकाना हक, या कोई पार्टी इस नूं ऐसा एग्रीमेंट कर दिओ कि इस ते लोन लवे, ये पॉसीबल नहीं है। DDA ने इहदी लीज़ कैंसल कर दिती। अज सरना साहब ये बार बार कहिंदे ने कि मैनूं दस्या जावे मैं वेचिया कदों सी। मेरा इक्को ही सवाल है, सरना साहब 1,47,00,000 दी तुसीं जुर्माने की पेमेंट की है लीज़ वापस रिवाइव करन वास्ते। जिहड़ी जमीन असीं 32 लख च खरीदी सीगी, 11 एकड़ कुछ पॉइंट, उहदा 1.5 करोड़ रुपया तुसीं जुर्माना क्यों भुगतिया? गलती तुहाडी, तुहाडी जेब चो जाना चाहिए सी, गुरु की गोलक चो क्यों गया? नंबर 1। नंबर 2, 2013 संगतां ने सानू इतों की सेवा दी दिल्ली की, असी आख्या सीगा कि इस नूं असी वापस लैके आवांगे। कोर्ट के विच इन्होंने बयान देते कि असी BL कपूर नूं दे दिता। BL कपूर नाल असी कोर्ट की लंबी लड़ाई लड़ी। वो साढ़े को 35 करोड़ का क्लेम मंगते सीगे, जबकि उन्होंने ऑफिशियली जी चैक पेमेंट सीगी वो दी सी उन्होंने 12.5 करोड़। 12.5 करोड़ के विचों नंबर 2 की दिता वो साढ़े को नहीं पता, वो ये जानन तो वो जानन। लेकिन जो ऑफिशियल चैक गया सीगा पिछले साल 2015 दे विच असी कोर्ट च फैसला करदे आ BL कपूर कोल, और 2015 तक इहदा जिहड़ा पैसा सी इह सरना साहब दे प्राइवेट ट्रस्ट च पिया रहा। और जदों असी आख्या कि उन्हां नूं पेमेंट करनी है 12-13 करोड़ की, तो पैसा दिओ, उन्होंने सानू दिता नहीं। कोर्ट के ऑर्डर नाल सानू पैसा मिलिया सिर्फ 6.5 करोड़ रुपया। 6.5 करोड़ रुपया ट्रस्ट के विचों साडू मिलिया, जबकि लिया इन्होंने 12-13 करोड़ के करीब से उन्होंने, तो ऑफिशियल, अनऑफिशियल का नहीं मैं गल करता। बाकी पैसा दिल्ली गुरद्वारा कमेटी ने पा के पेमेंट की है और अज कब्जा साढ़े को है। दोबारा असी हॉस्पिटल शुरू करता। बाबा हरबंस सिंह जी के वरसाए हुए बाबा बच्चन सिंह जी तुहाडे सामने लेंटर पैने शुरू हो गए हैं। असी हॉस्पिटल का काम जिहड़ा लोगों ने वायदा किया कि हॉस्पिटल वापस लवेंगे, कानूनी पचड़ियां चो कढ़ांगे और इसनू चालू करांगे, असी उस पासे नू तुर पए हां। आने वाले समय दे विच इत्थे बहुत शानदार हॉस्पिटल असी बनाने जा रहे हैं। इहदे विच किसी नू इहदी लैंड ट्रांसफर नहीं की जाएगी, किसी नू इहदे राइट ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। इहदे वास्ते एक मैडिकल कमेटी बनेगी, और या वध तो वध कोई मैनेजमेंट किसी ने करनी होवे वो किसी किस्म का एग्रीमेंट जे फिजिबल होएगा DDA की नॉर्म्स नाल उसनू सोचा जा सकता। लेकिन किसी प्राइवेट ट्रस्ट के हवाले बना के तीजी पार्टी का इंट्रस्ट क्रिएट करके जो गलतियां सरना साहब करके गए ने, जान के कीतियां ने, लालच कीतियां ने, इहदे जवाब दे ओह ने। मैं जिहड़े मेरे 2 सवाल ने कि जे तुसीं वेचिया नहीं सी ते कोर्ट चों सानू जाके क्यों वापस लैना पिया? तुसीं आप कोर्ट च बयान कीते ने कि तुसीं इहनां नाल एग्रीमेंट कीता। दूजी गल, जे 32 लख रुपए की असी जमीन ले सी उत्ते 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना गुरु की गोलक चुक हो गया, क्योंकि तुसी इहदे च तीजी पार्टी का इंट्रस्ट क्रिएट किया। सो जो असी संगतां नूं कहा असी उस हिसाब नाल काम किया। गुरु मेहर करेगा आने वाले समय च,
जो सुपना जहेदर संतोख सिंह होरां ने देखिया सी जरूर पूरा करांगे। पहला फेज इहदा 100 बैड दा असीं कर रहे हैं, टोटल 400 बैड दा, लेकिन हुण जो लेटेस्ट गाइडलाइनस आईयां ने कि इसे इन्नी जमीन दे विच 800 बैड दा हॉस्पिटल भी बन सकदा, लेकिन असीं जिहड़ा इमीडिएट प्लान बनाया वह असीं 100 बैड दा बनाया जिहदा असीं काम शुरू करन जा रहे हैं। ये हुण कंस्ट्रक्शन शुरू है, टीमां बन चुकियां ने, मैडिकल टीम्स बन चुकियां ने, किवें कमरे चाहिए ने, किवें ऑपरेशन थिएटर चाहिए ने, किवें कार्डियक दा डिपार्टमेंट होएगा, कैंसर दा डिपार्टमेंट होएगा, ऑर्थोपीडीज दा डिपार्टमेंट होएगा, आईज दा, किडनीज दा, ये सारिया चीज़ा असी एक्सपर्ट्स की टीम लाई और करते पे ने। बाबा जी ने जो ड्राइंग दी जा रही है, कोठारी एंड एसोसिएट जिन्होंने ओरिजिनली ये नक्शे बनाए से उन्होंने वापस एंगेज किया गया, ये सारा काम होने जा रहा है। जेड़े जेड़े वेचण का मतलब यह होंगे कि एक ट्रस्ट बना के ट्रस्टी बन के बह जाना, उसके ना पैसे देने पैदे ना कुछ करना पैदा, पैसा बाहर आता ट्रस्ट के ना से, वह मालिक है मैं, उस गुरुद्वारा कमेटी का दखल मुक जाता, वो खरीदना ही होंगे, सौ उल्टा कब्जा होंगे, वो वेचण वालों भी माड़ा है, इस करके वो काम इतने नहीं होना, वो ट्रस्ट यहोजा नहीं बनूगा कोई यहोजा जिहड़ा सरदियां ने बनाया सी कि पैसा आवे तो ट्रस्ट में ही रहे, ट्रस्टी रखे, ट्रस्टी खावे, ट्रस्टी चलावे, इदां नहीं हुंदा। वो पैसा आऊगा जिहदा हिसाब सारा गुरद्वारा कमेटी के कोल होएगा, कमेटी हिसाब की जिम्मेवार होएगी, कमेटी लोगों को जवाबदेह होएगी उस गल की कि किन्ना पैसा किन्नी डोनेशन आ रही है, की जा रहा की नहीं जा रहा, तो जे लोड़ पई तो सकदा कोई मंगया भी जाऊगा। वेचण वाली गल होंदी आ कि कोई ट्रस्ट ऐसे ढंग नाल बना लेना कि उहदे विच पावर अधिकार सारे ट्रस्ट को होणगे, तो जिहड़ा भी पैसा होगा उहनां को होएगा, चलाउणगे अपनी मर्जी दा, कमेटी दा विच कोई दखल नहीं हुंदा, वह वेचिया वर्गा ही हुंदा, वेचण तो माड़ा हुंदा, इदां नहीं होगा, हर अधिकार कमेटी दा होगा, चाहे इत्थे ट्रस्ट कोई काम करे, मैं करां ये करे, उहदे उह इक नां दा होगा, लेकिन कमेटी ही इहदे उत्ते कंट्रोल करेगी, तो कमेटी खर्च करेगी, तो कमेटी इहदी देखभाल करेगी, हर तरह की इहनू सारिया संगतां वास्ते इस्तेमाल किया जाऊगा, ये किसी की निजी प्रॉपर्टी जायदाद नहीं बन सकती। देखो जिहड़ा असीं मकसद लैके चले सी ना कि बाला साहब हॉस्पिटल दोबारा तो कमेटी के कोल आए और संगत के कोल आए, वो अज इत्थे सफल होंदा दिख रहा, अज उपर छत पै गई है, लेंटर पै गया, और बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा सुरिंदर सिंह जी इत्थे सेवा संभाल रहे हैं, और मुड़ के ये सेवा बाबिया कोल आई है जिन्हां नूं संगत दे नाल राबता हैगा। और मैं कहना कि जिहड़ा एक लंबी लड़ाई मनजीत सिंह जीके ने अते पूरी कमेटी लड़ी सी कि जिहड़े हॉस्पिटल साढ़े हथों निकल गए ने वो वापस आ जाए और संगत को पहुँचन और लाहा ले संगत, मैनूं लगता कि जिस देख रहे हो कि अज इत्थे किन्नी रोड तेज़ चलती है और वड्डे वड्डे हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल वल देखते हैं, तो जिस दिन तैयार होगा संगत का भले का काम होएगा, और जिहड़ा साडा टीचा श्री हरकृष्ण ते आई है जिस जिथे साहब दुख जाए, जिहड़ा भी इत्थे गुरु हरकृष्ण साहब जी दा नाम लैके इत्थे आउंदा है उसका दुख दूर होता है, और बड़े चैरिटेबल रेट उत्ते सारा काम होना, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन जिहड़ियां इंपोर्ट करनगे, और एक जिहड़ी हस्पताल की मैनेजमेंट है वो संगत दे हाथ च होएगी, जिहड़ी संगत जिहड़ी मैनेजमेंट चुनेगी उही उत्थे सेवा करेगी, ये हुण किसे प्राइवेट हत्थां च नहीं है। और मैं लगता कि जो पिछले दो दहाकों तो जिस तरीके इस हस्पताल नूं तहस नहस किया गया है और इहदे तों पैसे कमाण की कोशिश की गई है, अज संगत दे सामने है कि एक कार सेवा शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी इत्थे एमरजेंसी भी शुरू हो जाएगी, और मैं संगत का धन्यवाद करदा कि जिस असीस दे के उन्होंने सानू भेजिया सी असी ये कार्य पूरा करन दे विच समर्थ नहीं हो सके, पर अज तक इहनू चलान दे विच जो भी दिक्कत आ रही है वो तुहाडे सामने ने, पर फिर भी असी चाहुंदे आ कि अपनी टर्म दे अंदर अंदर ये हॉस्पिटल चालू कर दईए। यह थी हमारी खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज़ चैनल voiceofindia.net।